इंडिया द बिग स्टोरी में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा कल से। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला कर लिया है। इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी जा चुकी है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ये गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। ये देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन की तीसरे फेज खत्म होने से पहले करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। साथ ही सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। होटल्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान मंगवाया जा सकेगा। ये वो चीजें थी जिन पर लॉकडाउन में 31 मई तक सख्ती रहेगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें लॉकडाउन में रियायत दी गई है। यात्री गाड़ियों और बसों से अंतर्राज्यीय यात्राएं, हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना जरूरी होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात। लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत गतिविधियों पर छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले से पहले ही देश के 3 राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया था। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम शामिल हैं, जो पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। बीते 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा हुई, जिसकी मियाद 3 मई तक थी। इसके बाद 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया गया। आज जब लॉकडाउन की आखिरी तारीख थी, तो एक बार फिर से इसे एक्सटेंड किया गया और अब लोगों को 31 मई के बाद ही राहत की उम्मीद नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।